स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग जैव विविधता पढ़ेंगे, ठीक है। पिछले बार हम लोग पर्यावरण से रिलेटेड पर्यावरण पहले पढ़े थे, उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र पढ़े थे। आज हम लोग जैव विविधता पढ़ेंगे, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आइए देखते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, ठीक है। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, है ना। हमारे चैनल का नाम है अमरेन सर FGI कोचिंग, ठीक है। आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। फिर आइए देखते हैं, आज शुरुआत करते हैं। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम WG रोजन के द्वारा किया गया था। इसका सामान्य अर्थ है पौधों एवं जंतुओं की विविधता, ठीक है। इस एक लाइन वाले इसको वन लाइनर हमने पिछली बार चर्चा की थी, ठीक है। इसका अर्थ होता है पौधों द्वारा जंतुओं की विविधता, ठीक है। अब आइए देखते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जैव विविधता के नष्ट होने का मुख्य कारण जीवों के प्राकृतिक आवासों में कमी है ना, ठीक है। क्योंकि वन लगातार काटे जा रहे हैं, ठीक है, तो उनके आवास भी कम होते जा रहे हैं, ठीक है। तो उनकी कमी के कारण जैव विविधता नष्ट होती जा रही है। पर्यावरणीय प्रदूषण भी एक कारण है, ठीक है। वनों का विनाश है ना, ये अभी हम समझा रहे थे, वन काटते जा रहे हैं, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं जैव विविधता की परिभाषा क्या है। जैव विविधता किसी प्रदेश या संपूर्ण पृथ्वी में पाई जाने वाली जीवों या प्रजातियों एवं पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता से है, ठीक है। इसको आप थोड़ा एक दो बार पढ़ लें, ठीक है, एकदम रट लें, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं जैव विविधता के तंत्र स्थल, है ना। और तंत्र स्थल में दो तंत्र स्थल हैं, एक हॉट स्पॉट है, एक होप स्पॉट है, ठीक है। तो पहले हम लोग हॉट स्पॉट की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं हॉट स्पॉट। जैव विविधता के तंत्र स्थल की संकल्पना का प्रतिपादन सर्वप्रथम नॉर्मन मायर के द्वारा 1988 में दी गई, ठीक है। इसको आप एकदम रट लें, इसमें कुछ समझाने वाली बात ही नहीं है, है ना। तंत्र स्थल की संकल्पना किसने दी? नॉर्मन मायर ने। कब दी? 1988 में, ठीक है। अब आइए देखते हैं मापदंड, है ना। तो उच्च स्तर की जैव विविधता या प्रजातियों की दृष्टि से धनी है, ठीक है। स्थानीय प्रजातियों के जीव जंतुओं की अधिकता जैव विविधता पर संकट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जैव विविधता के तंत्र स्थल की मापदंड थी, आप इसको थोड़ा सा पढ़ लें, कोई खास ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट है, भारत में चार हॉट स्पॉट घोषित किए गए हैं, ये इम्पॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है ना। ऑप्शन दिए जाएंगे, पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा हॉट स्पॉट है या कौन सा नहीं है ना, तो आपको उसमें ढूंढना होगा। तो आइए देख लेते हैं, रट लेते हैं। पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट है, पूर्वी हिमालय है, भारत बर्मा है ना, भारत वर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड, है ना, सुंडालैंड, ठीक है। तो ये चार आप ध्यान रखें, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, भारत वर्मा क्षेत्र, ठीक है, और सुंडालैंड, ठीक है। अब होप स्पॉट के बारे में आइए देख लेते हैं। होप स्पॉट यह समुद्र का वह क्षेत्र होता है जिसे विशेष संरक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं, ठीक है। समुद्र का वह क्षेत्र जिसे विशेष संरक्षण की आवश्यकता हो, क्योंकि वहाँ पर अनेक जीव पाए जाते हैं, तथा यह जल के अंदर एक प्रमुख निवास क्षेत्र है ना, तभी तो अंदर जीव वहाँ पर निवास करेंगे, ठीक है। तो IUCN एवं ब्लू मिशन द्वारा 50 होप स्पॉट की पहचान की गई, ठीक है। हॉट स्पॉट 4 थे और होप स्पॉट 50 हैं। इसके अंतर्गत भारत के लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को भी रखा गया है, ठीक है। यानी अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये होप स्पॉट हैं भारत के, ठीक है। अब आइए देखते हैं और, तो दो होप स्पॉट और दो हॉट स्पॉट जरूर ध्यान रखें, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। कभी भी हॉट स्पॉट से क्वेश्चन बनेगा तो टेट में अधिकतर इन्हीं दोनों से बनता है, पश्चिमी घाट या पूर्वी हिमालय, ठीक। और हॉप स्पॉट से बनेगा, ठीक है, हॉप स्पॉट से बनेगा तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को याद रखें, ठीक है। अब आइए देखते हैं आगे, ठीक है। प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ IUCN है ना, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। रेड डाटा बुक में विलुप्त के कगार पर खड़े अंतर संकटग्रस्त पौधों एवं पशु जातियों की सूचियां सम्मिलित होती हैं, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि रेड डाटा बुक जो है, ठीक है, यह इसमें जो मतलब जो जीव ऐसे जीव हैं जो मतलब संकटग्रस्त जातियाँ, यानी कहने का विलुप्त हो रहे हैं धीरे धीरे, है ना। जैसे गिद्ध हो गया, बाघ हो गए, है ना, गौरैया,
ठीक, इस टाइप के जो जीव हैं जो लगातार समाप्त हो रहे हैं उनको इस बुक में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, रेड डाटा बुक में किसको शामिल किया जाता है? जो संकटग्रस्त पौधे या पशु जातियां हैं, ठीक है, उनको। ठीक है, किसी भी प्रजाति को विलुप्त तब माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक वास में 50 वर्षों से ना देखी गई हो। ठीक है, यानी कहने का मतलब कोई भी जीव जंतु है जो अपने ही आवास पर लगभग 50 वर्षों से ना देखा गया हो तो